हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मिस्टर अब्दुल रोज़िक के बारे में, जो बिग बॉस में धूम मचा रहे हैं और सबका दिल जीत रहे हैं। अब्दुल रोज़िक एक ताजिक गायक, संगीतकार, ब्लॉगर और बॉक्सर है। उनका नाम दुनिया के सबसे छोटे गायक होने का रिकॉर्ड में आता है। उन्होंने अपने स्कूलिंग शिक्षा पूरी नहीं की और केवल 20 दिनों के लिए स्कूल गए थे। बाद में उन्होंने पढ़ना और लिखना सीखना शुरू कर दिया। बहुत कम उम्र में ही उन्होंने गिजदरवा के गलियों में एक गायक के रूप में काम करना शुरू कर दिया था। उनके पिता का नाम सावरिकुल मोहम्मद और उनकी माता का नाम रूह अफ़ज़ा है। उनके माता पिता माली हैं। बचपन में उन्हें रिकेट्स, एक वृद्ध हार्मोन की कमी का पता चला था, लेकिन उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए वे उन्हें बेहतर चिकित्सा प्रदान नहीं कर सके। 2019 में उन्होंने एक गायक के रूप में अपना करियर शुरू किया। उनके शहर के एक स्थानीय गायक रैपर ने उन्हें गाते हुए देखा। अब्दू ने कई ताजिकिस्तान गानों को अपनी आवाज़ दी है। उनके गाने YouTube चैनल एवलोड मीडिया पर उपलब्ध हैं। उनके अधिकांश गीतों के बोल उनके संघर्षपूर्ण जीवन पर आधारित है। अब्दू ने बच्चों और बौने खिलाड़ियों के साथ कुछ MMA फाइट्स में भी हिस्सा लिया है। 2021 में उन्होंने फिल्म ओके जानू से अरिजीत सिंह का हिंदी गाना इन्ना सोना गाते हुए उनका एक वीडियो उपलब्ध किया। उन्हें आईफा पुरस्कार समारोह में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था, जो अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया था। कार्यक्रम के दौरान उन्हें फिल्म 1942 एक लव स्टोरी का हिंदी गीत एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा गाया। उन्होंने इस गाने को सलमान खान को समर्पित किया, जो इस कार्यक्रम में मौजूद थे। इवेंट के बाद सलमान खान ने उनसे मुलाकात की और उन्हें गले लगाया। अब्दू को आर रहमान की बेटी खतीजा रहमान की शादी के रिसेप्शन में शामिल होने के लिए भारत आमंत्रित किया गया था। अब्दू को पहली बार ताजिक ब्लॉगर रैपर बैरन ने देखा, जिन्होंने अब्दू के पिता को गायन में अपना करियर बनाने की अनुमति देने के लिए मना लिया। अब्दू के पिता ने उसे अनुमति दी और बाद में अब्दू बैरन के साथ दुबई चला गया। शुरुआत में बैरन अब्दू को आर्थिक मदद करता था। वह म्यूजिकल कीबोर्ड बजाने में माहिर है। अब्दुल रजीक नॉन वेजिटेरियन है। अपने खाली टाइम में वो स्विमिंग और ट्रैवलिंग करना पसंद करते हैं। अब्दुल रजीक एक एनिमल लवर भी है। 17 साल की उम्र में उन्हें गोल्डन वीजा प्राप्त हुआ और वो अपने देश के पहले व्यक्ति है जिनके पास संयुक्त अरब अमीरात द्वारा गोल्डन वीजा है। उन्होंने बॉक्सिंग में अपना प्रशिक्षण ब्रिटिश वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन फाइटर आमिर खान के अधीन किया। वो सोशल मीडिया पर लोकप्रिय है और जून 2022 तक उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर लगभग 2.7 मिलियन फॉलोअर्स है। अब्दू ने 8 से अधिक पुरस्कार जीते हैं। उन्होंने सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी जीता है। वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल के अध्यक्ष मोरिसियो सुलेमान ने उन्हें वर्ल्ड बॉक्सिंग काउंसिल बेल्ट दी। अब्दू को इन्फ्लुएंसर जस्ट सुल के साथ HT ब्रांड्स के मैगजीन कवर पर चित्रित किया गया था। एक इंटरव्यू में इन्होंने साझा किया कि भारत से बहुत प्यार करते हैं और भारतीय के प्यार और मेहमान नवाजी से बहुत प्रभावित हुए। इतना ही नहीं, उन्हें भारतीय खाना भी बहुत पसंद है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। ऐसे और खबरों के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।